So we are going to discuss the topic public facility that we have started yesterday. So in public facilities, first of all, meaning of public facilities. है ना, सबसे पहले तो क्या इसमें आ जाता है, मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज एंड विद दीज पब्लिक फैसिलिटीज व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ इट. पब्लिक फैसिलिटीज, ऑल द फैसिलिटीज व्हिच आर नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग और दे आर द बेसिक फैसिलिटीज दैट आर वी नीड फॉर आर लाइफ, फॉर बेटरमेंट ऑफ आर लाइफ और फॉर आर डेवलपमेंट. द बेसिक ऑल द फैसिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, हेल्थ केयर है, सैनिटेशन है, ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ये सारी चीजें साथ में, ये सारे क्या हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स पब्लिक फैसिलिटीज की. नाउ दीज ऑल पब्लिक फैसिलिटीज, अब हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट कहाँ से किया था, वाटर प्रॉब्लम दैट वॉज टू डिफरेंट पीपल इन चेन्नई. तो वो डिफरेंट लोगों की हमने एग्जाम्पल देखी कि उनको वाटर में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, अफोर्डेबल है कि नहीं है, चीप मिल रहा है या उनको परचेज करना पड़ रहा है, या पब्लिक जो फैसिलिटी है, दिस इज वन ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी वाटर, है ना. तो इसलिए हमने वाटर को सबसे पहले डिस्कस किया कि प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, इट इज वन ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी, एक पब्लिक फैसिलिटी है. और अगर हम बात करें कि ये जो पब्लिक फैसिलिटी है, ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है. जैसे राइट टू लाइफ हमने किया हुआ है, राइट टू लाइफ क्या है हमारा, वी हैव आर राइट टू लाइफ. तो राइट टू लाइफ हमें किसमें मिला हुआ है, आर्टिकल 21 में, ठीक है. ये हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आई थिंक जब किया था तब भी हमने ये आर्टिकल किया था, ठीक है. सो आर्टिकल 21 में वी हैव बीन गिवन राइट टू लाइफ. और उसी राइट टू लाइफ में क्या है कि व्हाटएवर द थिंग्स दे आर नीडेड फॉर आर लाइफ, कि जो भी चीजें हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं वो भी हमें मिलनी चाहिए, है ना. वाटर, इट इज अ बेसिक नेसेसिटी, ठीक है, विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव. तो वाटर भी क्या है, ये भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है. सो देन पब्लिक फैसिलिटीज तो क्लियर हो गया, ठीक है, जो हमारा टॉपिक का नेम है पब्लिक फैसिलिटीज, उसका मीनिंग क्या है, उसके एग्जांपल हो गए. अब वाटर की हमने प्रॉब्लम डिस्कस की और साथ ही साथ वाटर एज ए फंडामेंटल राइट टू लाइफ, जो हमारा राइट टू लाइफ है उसी का ही, ये उसी में ही एड ऑन हो गया, ठीक है. क्यों, क्योंकि वाटर भी हम कह सकते हैं कि जो बेसिक फैसिलिटीज है उसी में वाटर भी हमारी बेसिक फैसिलिटीज है, इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर आर सर्वाइवल. और आर्टिकल 21 क्या कहते हैं, वाटर हमने क्या कहा, फंडामेंटल राइट है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, राइट टू लाइफ. और राइट टू लाइफ हमें किसमें मिलता है, आर्टिकल 21 में, ठीक है. आर्टिकल 21 इट प्रोवाइड्स अस राइट टू लाइफ, ये हमें राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है. इट मीन्स कि ये जो राइट है ये हर एक लोगों को है. फंडामेंटल राइट क्या है, बेसिक राइट्स, वो सारे बेसिक राइट्स जो हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हमें मिले हुए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस ऑल दीज राइट्स, वी हैव आल्सो गिवन द राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ भी हमें मिला हुआ है जो कि आर्टिकल 21 में है. आर्टिकल 21 में क्या है, वी ऑल हैव राइट टू लाइफ. सो व्हाट आर द बेसिक फैसिलिटीज दैट आर नीडेड फॉर आवर सर्वाइवल, That must be available to us, ठीक है. और उसी में water भी एक इसका part है. क्यों? क्योंकि water भी क्या है, वो भी हमारी एक basic necessity है. We can't survive without water. और अब इसलिए ये किसकी responsibility बन जाती है, government की, है ना. Public facilities ये भी हमने discuss किया था कि provide कौन करता है, government responsibility किसकी है, mainly government की ही responsibility है to provide all the बेसिक फैसिलिटीज टू पीपल. और पब्लिक इसको हम क्यों कह देते हैं, क्योंकि लोगों को ये जरूरी चाहिए और प्रोवाइड भी कौन कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड, मोस्टली गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल दीज फैसिलिटीज. सो अब वाटर क्या है, वो एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है. और इसमें अगर आपको ये आता है कि वाटर एज ए फंडामेंटल राइट टू लाइफ, तो इसमें आप आर्टिकल 21 बताओगे, आर्टिकल 21 गिव्स अस राइट टू लाइफ, एंड देन वाटर इट इज द बेसिक नेसेसिटी. And
वेरियस जजमेंट्स दैट हैज बीन पास्ड बाय द कोर्ट्स, इन दोज वेरियस जजमेंट्स द कोर्ट हैज अपहेल्ड दिस राइट, राइट टू वाटर एज ए फंडामेंटल राइट. ठीक है, आप इसमें एग्जाम्पल किसका बता सकते हो? सेवरल कोर्ट केसेस है जिसमें राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि वाटर तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए. ठीक है, कि बिकॉज देर आर मेनी डिसीजेस, दे आर बीइंग स्प्रेड विथ द वी कैन से अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, सो इंडिया में भी इस तरह के लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस हुए हैं जो कि वाटर बॉर्न डिसीजेस थे. तो इसलिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी हमारा राइट है और कोर्ट ने भी इस राइट को अपहेल्ड किया है. जैसे कि इसमें एग्जांपल आप बता सकते हो, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, ठीक है, उसने इसी हमारे राइट को, राइट एज ए फंडामेंटल राइट टू लाइफ, इसको अपहेल्ड किया है, इसको रीस्टेट किया है. That और ये कौन सा केस था? A case based on the letter written by a village, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑफ आंध्र प्रदेश. और इसी में ही उनका कंप्लेंट उनकी क्या थी कि टेक्सटाइल कंपनी दैट वॉज डिस्चार्जिंग पॉइजनस केमिकल्स इन टू द स्ट्रीम दैट वॉज फ्लोइंग नियर देयर विलेज. ठीक है, और नाउ दे हैव राइट टू सेव ड्रिंकिंग वाटर. And this complaint was against that textile company. तो इसलिए कोर्ट ने टेक्सटाइल कंपनी को कहीं और शिफ्ट करने के लिए कहा. तो मीन्स उनके लिए वाटर अरेंज करवाने के लिए कहा. तो दे हैव अपहेल्ड देयर फंडामेंटल राइट. ठीक है, सो इसलिए सबको क्या होनी चाहिए? यूनिवर्सल असेस. तो पब्लिक फैसिलिटीज में जो भी हमें फैसिलिटीज मिलती हैं, उनमें एक चीज क्या आ जाती है? यूनिवर्सल असेस. यूनिवर्सल एक्सेस मतलब कि वेदर एनीवन रिच और पुअर, तो दे हैव एक्सेस टू दीज फैसिलिटीज. चाहे कोई रिच है चाहे कोई पुअर है, तो उन सबको ये फैसिलिटी हो कि वो जो भी ये हमारी बेसिक फैसिलिटीज है वो उनको मिले. तो वाटर ये भी हमारी बेसिक फैसिलिटी है, तो इसकी भी यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए. ये नहीं कि किसी एरिया में सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो वाटर परचेज करके पी रहे हैं. ठीक है, बॉटल्स में वाटर परचेज करके पी रहे हैं क्योंकि जो पब्लिक वाटर आ रहा है वो साफ नहीं आ रहा है. तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम सेफ ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, सो दिस इज नेक्स्ट पब्लिक फैसिलिटीज में ही एक वाटर की फैसिलिटी. और इसी वाटर की फैसिलिटीज के साथ हमने प्रॉब्लम ऑफ वाटर इन चेन्नई, है ना, चेन्नई में वाटर की क्या प्रॉब्लम थी. इससे पहले तो हमने कई एग्जाम्पल्स देखे. ठीक है, और अगर, हाँ जी, ये सरमन की अगर कोई कंपनी, अब ये तो है जैसे कि ये तो सेपरेट ही क्वेश्चन हो जाता है ना. तो हमने कि अगर कोई कंपनी जज को पैसे देती है तो दैट इज द सेपरेट इशू. लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो तो देयर कैन बी वी कैन दैट जज, जो जज होता है ना उसके अगेंस्ट उसको पार्लियामेंट रिमूव भी कर सकती है. अगर इस तरह किसी भी जज के अगेंस्ट, और जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, उस पे भी केस पार्लियामेंट में पास करके बिल, तो इस तरह जज को भी हटाया जा सकता है. ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें फंडामेंटल राइट किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने. ठीक है, Constitution has gives us this right. Constitution ने हमें ये right दिया है. और Constitution क्या कहता है कि we have this right और वो right हमें मिलेगा. अगर वो नहीं मिल रहा है then we can file a case against that particular person or company in the court. Then we will get justice. ठीक है, this is the provision. ये provision है. अब इसके आगे हम कह सकते हैं different सिचुएशंस हो सकती हैं, दो सिचुएशंस वेरी. लेकिन हमने इसमें एग्जांपल जो हमें पता है कि कोर्ट ने लोगों के फेवर में डिसीजन लिया है तो वो हम देंगे. ठीक है, क्लियर हो गया. पब्लिक फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है. और मेनली गवर्नमेंट अपहेल्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा गवर्नमेंट ही लेती है. बिकॉज If the government take this responsibility, then all the public facilities can be available at a cheaper rate. So, वो
एक एक्सेस हमने बात यहाँ पे क्या की, यूनिवर्सल एक्सेस, तो दैट कैन बी असेसिबल टू एवरीवन, वेदर ही इज रिच और पुअर, तो सबको वो फैसिलिटी अवेलेबल होगी। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस तभी होगी अगर क्या होगा, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट बिना प्रॉफिट के उनको अफोर्डेबल रेट पे चीजें या वो फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएगी। तो यहाँ वाटर की हमने मेन फैसिलिटी की बात की कि वाटर को हमारा फंडामेंटल राइट कंसिडर किया गया है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अब इसी के साथ चेन्नई में वाटर सप्लाई की कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, उस पर भी एक सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द हाउ द वाटर सप्लाई इज इन चेन्नई और वेदर इट इज अवेलेबल टू ऑल और नॉट। ठीक है, वो सबको अवेलेबल है कि नहीं है, तो इसमें हम क्या बता सकते हैं कि दिस वाटर सप्लाई, तो यहाँ पे वाटर सप्लाई क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे शॉर्टेज है वाटर सप्लाई की। ठीक है, वाटर सप्लाई की शॉर्टेज है यहाँ पे, और जो लोगों की जितनी जरूरत है, सो म्यूनिसिपैलिटी सिर्फ हाफ लोगों की जरूरत को पूरा कर पाती है। इट मींस जो ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो इट जस्ट मीट्स द नीड ऑफ ओनली हाफ ऑफ द पीपल, और जहां पर एरियाज, कुछ एरियाज है जहां पे रेगुलर पानी पहुंच रहा है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे कि पानी रेगुलर नहीं जा रहा है या उनको लेस पानी मिल रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे जहाँ पे पानी स्टोर है, मतलब ये सारे पॉइंट्स आप अलग अलग पॉइंट्स इसमें बता सकती हो कि शॉर्टेज है, सभी एरियाज में मिल नहीं रहा है, हाफ द पीपल उनकी नीड्स कंप्लीट इसमें हो रही हैं, कई बार सप्लाई जो है उसकी शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, और इसका सारा मेन बर्डन किस पे जाता है, तो बर्डन जाता है पुअर के ऊपर, बिकॉज रिच दे कैन अरेंज, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने एग्जाम्पल देखे थे कि जो रिच पर्सन है वो तो परचेज भी कर सकते हैं, वाटर टैंक भी अपने लिए अलग से मंगा सकते हैं, लेकिन जो पुअर पर्सन है दे हैव टू डिपेंड, दे कांट परचेज दैट ड्रिंकिंग वाटर विच इज द बेसिक फैसिलिटी डेली, इतना वो परचेज नहीं कर सकते, अफोर्डेबल रेट पे उनको नहीं मिल रहा, अगर प्राइवेट कंपनीज बेच रही है तो वो ज्यादा रेट पे बेच रही है ना। तो यहाँ पे बर्डन किस पे जाएगा, पुअर पे जाएगा, शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल जब हो जाती है तो पुअर पे सारा बर्डन इसका जाता है, और इसीलिए जो अगर ये तो है ही, शॉर्टेज भी है, बर्डन भी पुअर पे जाता है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें कि जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ना, तो वो भी हम कह सकते हैं कि सबको अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स हम इसमें बता सकते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ वाटर इन चेन्नई, शॉर्टेज इज देयर, हाफ ऑफ द नीड्स दे आर फुलफिल्ड, ठीक है, हाफ ऑफ द पर्सन नीड दे आर फुलफिल्ड, इफ देयर इज शॉर्टेज ऑल बर्डन दैट फॉल्स ऑन पुअर, उन पे सारा बर्डन जाता है, और जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अगर बात करें तो वो भी सबको अवेलेबल नहीं है, और ये भी किस पे डिपेंड करता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो परचेज कर लेते हैं, एंड रेस्ट पुअर पीपल दे हैव टू सर्वाइव वट इज अवेलेबल, जो उनको अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया प्रॉब्लम, और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे कि वाई ओनली गवर्नमेंट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज पब्लिक फैसिलिटीज, उसी के साथ ये भी एक इसमें क्वेश्चन जुड़ जाता है कि अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में वाटर सप्लाई की, तो वाटर सप्लाई जितनी भी है मेनली पब्लिक गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, प्राइवेट की अगर हम देखें कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं पूरी लोगों को, या गवर्नमेंट ने ये राइट प्राइवेट कंपनीज को दे दिया है, तो नहीं। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाटर की, इट इज मेनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली, तो इसमें कुछ केसेस हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड में भी कई केसेस ऐसे हैं जहां पे कि ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस वाटर सप्लाई वॉज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज इन केस लाइक बोलीविया। ठीक है, बट अगेन द गवर्नमेंट हैज टू टेक बैक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज वाटर वॉज नॉट अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, सो देन द वाटर सप्लाई इन होल ऑफ द वर्ल्ड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, अगर हम वाटर सप्लाई की बात करते हैं तो ये इसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखा कि गवर्नमेंट की ही है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे
इसके साथ एक ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि व्हाई प्राइवेट कंपनीज दे डोंट कम इन फॉर फ्रंट, फ्रंट में वो क्यों नहीं आती हैं, तो वही सेम पॉइंट्स, ठीक है। तो इस टॉपिक में ये सारे हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज में। मीनिंग हो गया, मीनिंग के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की। वाई गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, प्राइवेट कंपनीज क्यों इसको प्रेफर नहीं करती, और या गवर्नमेंट ही प्राइवेट कंपनीज को इसका सोल राइट क्यों नहीं दे देती, गवर्नमेंट अपने हाथ में क्यों रखती है ताकि उसके यूनिवर्सल एक्सेस हो, सबको अफोर्डेबल रेट पे वो अवेलेबल हो। और ये जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है पब्लिक फैसिलिटी, कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट अफोर्डेबल रेट्स पे प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि प्राइवेट कंपनीज बेनिफिट ले रही है तो गवर्नमेंट सारी लॉस में चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उस मनी को, इनकम को कहीं रिसोर्सेज से पूरा करेगी। तो फ्रॉम वेयर दैट गवर्नमेंट टेक दिस मनी, या इसके रिसोर्सेज कैसे बनाती है ना, पब्लिक फैसिलिटीज ये जो प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए ये मनी कहाँ से लेती है, फ्रॉम वेयर इट गेट मनी। पब्लिक फैसिलिटी में तो वो प्रोवाइड कर रही है ना अफोर्डेबल रेट्स पे, अफोर्डेबल रेट्स पे अगर वाटर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन वो अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड करने के लिए इसको खुद भी तो उसके पास मनी होना चाहिए, कहाँ से मिलता है, तो वो मनी अलग अलग तरह के टैक्सेस, ठीक है, अलग अलग तरह के रेवेन्यू, इनकम टैक्स हो गया, डिफरेंट टैक्सेस, अलग अलग सर्विसेज पे टैक्स हो गया, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम, एक्साइज ड्यूटीज, सर्विस टैक्स, ये सारे टैक्सेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज अपने कहां से बनाती है, वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस, फाइन्स, है ना, कई तरह के फाइन्स, टैक्सेस, तो ये सारी चीजों से, ठीक है। एनी अदर पॉइंट इस टॉपिक में से जो डिस्कस नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटी में से मीनिंग विद एग्जाम्पल, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई, वाई हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ वाटर एज ए फंडामेंटल राइट, देन हाउ द प्रॉब्लम इज ऑफ वाटर इन चेन्नई विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन देयर, एंड देन इन वर्ल्ड सिचुएशन, इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड, देन द वाटर सप्लाई इज मेनली फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, देन द रीजंस एंड फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट इज मेकिंग इट्स मनी, गवर्नमेंट कहां से मनी बना रही है, ठीक है। एनी डाउट फ्रॉम दिस टॉपिक, क्लियर है यहां तक? हां जी बेटा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एनी पॉइंट कि आपको लगता है इस टॉपिक में हमने नहीं डिस्कस किया? हां जी बेटा, ठीक है। यस, तो अब ये इसमें अगर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं तो वहां पे भी कि why there are few cases of private water supply in the world, world में अगर private water supply है उसके few cases क्यों है, तो हम example भी बता सकते हैं Bolivia का, साथ में reason भी बता सकते हैं। Then water in Chennai is available to all and affordable to all, दो चीजें हैं, available है कि नहीं, shortage है, affordable है कि नहीं, burden है poor के ऊपर, ठीक है, available safe drinking water भी available नहीं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स, देन इसमें कि व्हाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, दे आर लोकेटेड इन मेजर सिटीज एंड नॉट इन रूरल एरियाज, कि जो मेनली हम कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी रूरल एरियाज में नहीं होते, अर्बन एरियाज में होते हैं, बिकॉज दे आर मेन उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट, एंड दे कैन अर्न मोर प्रॉफिट इन सिटी देन रूरल एरियाज, है ना, क्योंकि वहां पे रिच पर्सन दे हैव इजीली एक्सेस टू दीज इंस्टीट्यूशंस, सो दैट इज व्हाई दे आर सेटिंग अप इन अर्बन एरियाज। देन यस, तो बैक एक्सरसाइज में दीज क्वेश्चंस आर देयर। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल एक्सेस क्या है, देन एवरीवन हैज, मतलब वो चीज जो है, अगर हमने वाटर की बात की है तो वो हर एक की पहुंच में है, चाहे वो रिच पर्सन है वो भी उसको खरीद सकता है,
पुअर पर्सन है वो भी, जैसे अगर बिल आता है वाटर बिल, तो चाहे वो रिच है चाहे पुअर है तो वो उसको इजिली पे कर सकता है, ठीक है। और इसी के साथ बेसिक नीड्स कौन कौन सी हैं, वाटर, शेल्टर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी हमारी बेसिक फैसिलिटीज हैं। सो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, इसमें हम जो लोग हैं, इसमें हमने स्टोरी की थी शिंदे की, है ना, शिंदे की स्टोरी की थी, मिस्टर और मिसेस शिंदे, और साथ ही में उनके यहाँ पे यस, इसमें इंस्पेक्टर भी था और उसमें कांता, यस, एडवोकेट कमला रॉय भी है, कांता भी है, ठीक है, उसका ब्रदर भी है शांति, सॉरी कांता नहीं शांति, सो शांति भी है, तो ये सारे पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे। और इन सभी के रोल से हमने किस किस के वर्क को डिस्कस किया, हमारा टॉपिक क्या था, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, है ना। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कि वो जस्टिस सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे जिसमें कोई क्राइम इन्वॉल्व है, ठीक है। क्राइम, क्राइम मींस ऑफेंस, ठीक है, कि कोई भी क्राइम है तो मतलब क्रिमिनल के साथ जो जस्टिस का सिस्टम पूरा रिलेट कर रहा है वो क्या है। सो क्रिमिनल मींस कि कोई ना कोई क्राइम वहां पे हुआ है, क्राइम मीन कोई ना कोई ऑफेंस वहां पे हुआ है, ऑफेंस मींस कि कोई भी ऐसा काम जिसको कानून क्या कहता है कि ये क्राइम है, मतलब ये आप जो भी किया है दैट इज नॉट जस्ट थिंग, वो आपने किसी के साथ गलत किया है, ठीक है। तो इसके साथ क्या वर्ड आ जाता है, ऑफेंस, जिसको हमारा लॉ कहता है कि दिस इज एन ऑफेंस, दिस इज एन क्राइम, जो आपने किया है वो क्राइम है, तो उसके साथ पूरा जस्टिस सिस्टम जो है वो जुड़ा हुआ है वो क्या है। अब इसमें जिसके ऊपर ये क्राइम लगा है वो पर्सन क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर ये क्राइम, कोई भी क्राइम है, जैसे हमने यहाँ पे शांति की बात की थी, तो शांति क्या बन गई थी, एक्यूज्ड पर्सन, है ना। एक्यूज्ड पर्सन मींस कि उस पर्सन के ऊपर जिसपे कि कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहाँ पे होगा, कोर्ट में होगा, ठीक है, कोर्ट में पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, और उस कोर्ट में एक एक्यूज्ड पर्सन है जिसके ऊपर की कोई क्राइम जो है वो लगाया गया है, और कोर्ट में उसके लिए पूरा क्या चल रहा है, ट्रायल, जो भी केस चल रहा है, जो उस केस की प्रोसीडिंग्स चल रही है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायल, ठीक है। तो ट्रायल में कि जैसे यहाँ पे एक्यूज्ड पर्सन है, इसके ऊपर क्या कर दिया गया, ऑफेंस लगा दिया, तो सबसे पहले इसमें जब उसके ऊपर कोई भी, हमने कहा कि क्राइम उसके ऊपर लगाया गया, उसके ऊपर कोई ऑफेंस लगाया गया, उसके ऊपर कोई दोष लगाया गया, ठीक है, तो उस कंप्लेंट के अगेंस्ट सबसे पहले कहां पे कंप्लेंट की जाएगी, उस एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, दैट विल बी इन पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में अगर कंप्लेंट होती है तो सबसे पहले हम किसके रोल की बात करेंगे, रोल ऑफ पुलिस, कि पुलिस का क्या वहां पे रोल होगा, ठीक है। तो पुलिस के रोल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस। अब एक ऑफेंस है, एक पर्सन जिसके ऊपर वो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर वो क्राइम लगाया गया है, वो हम कह सकते हैं कि क्राइम किसने किया है वो लगाया गया है, ठीक है। अब उस क्राइम के लिए कुछ विटनेस होंगे, ठीक है, कुछ पर्सन जिन्होंने, अब पुलिस के पास जाना है, पुलिस के पास क्या करवाना पड़ेगा, FIR सबसे पहले, है ना, FIR रजिस्टर करवानी पड़ेगी। तो FIR, अब FIR पे एक अलग क्वेश्चन है कि व्हाट इज FIR, FIR क्या है, सो FIR क्या है, FIR, अब ये पुलिस का काम है FIR लिखना, दिस इज वन ऑफ द वर्क ऑफ पुलिस। अब पुलिस FIR लिखने के बाद, FIR है क्या, FIR में इट इज अ डॉक्यूमेंट विच मेंशंस द डेट टाइम प्लेस ऑफ ऑफेंस डिटेल ऑल ऑफ द बेसिक फैक्ट्स दैट इंक्लूड ऑफ दैट ऑफेंस एट विच प्लेस दिस इज हैपेंड, ठीक है, सारी डिटेल्स होती हैं उसमें, एंड दिस इंफॉर्मेशन, ये जो FIR है, दिस कैन बी
given to the police in writing, mostly writing pe hoti hai, or later on that photocopy is also given to the person, theek hai, jisne ki complaint ki hai, aur us FIR ko sign bhi kiya jata hai, that is signed by the जो कंप्लेंट कर रहा है, जो एफ आई आर लिखवा रहा है वो अपने साइन भी करता है, ठीक है। और एक पूरा प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है जिसमें कि पूरी पुलिस जो है वो एफ आई आर को रजिस्टर करती है। एफ आई आर रजिस्टर कौन कर रहा है? पुलिस, ठीक है, जो कंप्लेंट कर रहा है। यहाँ पे एक कंप्लेंटेंट है ना, जो कि कंप्लेंट कर रहा है उस अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट। तो उस कंप्लेंटेंट को भी एक फोटोकॉपी दी जाती है जहां पे वो अपने साइन करता है, ठीक है, और accused person उसके ऊपर FIR register की गई है। और FIR के बाद ही पुलिस क्या स्टार्ट करती है? पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन FIR के बाद ही स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। और ये भी लॉ कहता है कि FIR लिखना कंपल्सरी है, लेकिन अगर कोई cognizable offense है then, ठीक है, अगर कोई cognizable offense है then FIR may not be registered or it can be placed, ठीक है। cognizable कि अगर कुछ serious crime है, ठीक है, जैसे कि serious crime जैसे किसी का murder हो गया, यानी dowry case में किसी की death होगी, kidnapping होगी, अगर इस तरह का कोई cognizable case है तो then police may arrest without the permission of court, ठीक है। तो इसमें FIR रजिस्टर होगी, पुलिस ने रजिस्टर कर ली, और उस FIR रजिस्टर करने के बाद देन पुलिस स्टार्ट्स इट, क्या स्टार्ट कर देती पुलिस ने? अपनी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। देन कम्स इन्वेस्टिगेशन। अब ये पुलिस के रोल में ही सारे पॉइंट्स आ गए। पुलिस FIR रजिस्टर भी करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। आफ्टर रजिस्टरिंग द FIR पुलिस स्टार्ट इट्स इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, जो भी उसको कंप्लेंट मिली थी क्राइम की। और उसके बाद पुलिस क्या करती है? कलेक्ट एविडेंसेस, ठीक है, एविडेंसेस को कलेक्ट करती है। जो जो उसे एविडेंसेस मिलेंगे उनको कलेक्ट करेगी कि जो भी अक्यूज्ड पर्सन है उसके अगेंस्ट क्या क्या उनको मिले हैं एविडेंस, उन सबको कलेक्ट करेगी। उसके बाद ये डिसाइड करना पुलिस का काम नहीं है कि वेदर दैट अक्यूज्ड पर्सन ही इज गिल्टी ऑफ दैट क्राइम और नॉट, ये डिसाइड पुलिस नहीं करती। पुलिस सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करेगी, ठीक है, वो एविडेंस कलेक्ट करके बाद में जज डिसाइड करेगा, पुलिस डिसाइड नहीं करेगी। और यहाँ पे पुलिस को गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी जो भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई हैं, ठीक है। तो गाइडलाइंस भी पुलिस को, जब पुलिस अपना काम कर रही है, प्रॉपर अपना रोल प्ले कर रही है, तो इसमें पुलिस को कुछ गाइडलाइंस को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। जो भी लॉ ने प्रोसीजर बनाया हुआ है, गाइडलाइंस जो लॉ ने प्रोसीजर बनाया है वो भी अपने माइंड में रखना पड़ेगा। और गाइडलाइंस में हमने किसकी बात की? डी के बासु गाइडलाइंस की भी है, ठीक है। So we will continue this topic.